हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेड डेड रिडेम्पशन 2 के एक और नए धमाकेदार एपिसोड में। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, हम मिले बो ग्रे और पेनालोपी ब्रेथवेट से और किया उनके लेटर्स को एक्सचेंज। उसके बाद हम गए रोड शहर और वहाँ हमने एक प्रोटेस्ट रैली में हिस्सा लिया जो कि थी वुमेंस को इक्वल वोटिंग राइट दिलाने के लिए। और फिर हम गए वापस वैलेंटाइन शहर काफ़ी दिनों बाद और वहाँ हमने की एक फाइनल चोरी जो कि था उस बैंक को लूटना। और वहाँ अच्छा खासा माल हाथ आया हमारे, लेकिन अब वहाँ पे हम मोस्ट वांटेड हो गए हैं, डेड और अलाइव। तो ये थी अब तक की कहानी, अब चलते हैं आगे। आपको याद होगा एबीगेल ने पिछले एपिसोड में कहा था कि होजे को हमसे कोई काम है, जो हमने मूनशाइन जब्त की थी जंगलों से ब्रेथवेट्स की, उसको लेकर। तो ये रहा होजे और साथ में शायद जॉन भी है और अपनी जब्त की हुई मूनशाइन भी है इनके पास। I ain't got a market for it. They made it. They must have someone to sell it to. Okay, तो होजे ने इसको बेचने का बंदोबस्त कर लिया है। I think we'll cut ourselves a deal. देखते हैं क्या डील मिलती है। पर इसे बेचेंगे कहाँ? You were just doing your duty when you requisitioned it. Now I'm doing mine. Okay, तो डच और डज भी लगा हुआ है अपना शेरिफ ग्रे के साथ जुगाड़ करने में। Thank you, John. आराम से. See you later. Dutch asked him to look into something to do with the Braithwaite horses, I think. Sure, okay. Okay, let's head out to the Braithwaite's place. You know the way? Yeah, I've been there. Sab janta hai. So what exactly are we doing? This is the moon. So abhi apan Braithwaite's ke manor ja rahe hain. Braithwaite still, right? Hearing is they okay, hate each other so isi planning sun lo aap hoje ki. I know. Braithwaite's ko hi ye maal bechna hai unko. भाई जिनसे चुराया है उन्हीं को बेचने की सोच रहे हैं और कुछ रिवॉर्ड मिल जाएगा सोचते हैं। चलो देखते हैं। खैर ये अपना पहली बार होगा ब्रेथवेट से अच्छे से रूबरू होने का। भाई डच ने क्या प्लानिंग की है, ग्रे और ब्रेथवेट दोनों को लूटने की, दोनों से पैसे कमाने की। और ये पहुंच गया अपन ब्रेथवेट के मैंशन में, काफी बड़ी जगह है ये। दोनों साइड एक जैसे पेड़ लगे हुए हैं इक्विडिस्टेंट पे और बीच से रोड गई है। Hello, gentlemen, how are you? और ये गार्ड्स। Moonshine, my fine fellow. Moonshine. May I have a word with the man of the थोड़ी बिजनेस की बात हो जाए। The man of the house is a lady. ओके, तो कोई लेडी है यहाँ की मुखिया, मिसेस कैथरीन ब्रेथवेल। I want to discuss a business opportunity. बिजनेस डील करने आया होजे, फायदा ही फायदा हो गया। May happily shoot me if I do. Okay. She's at the house. चलो घर में है वो। इन लोग तो भाई अकेला छोड़ेंगे नहीं हमको। We'll be watching you. चलो ठीक है। You heard the man. Driver, proceed, please. अच्छा, तो भाई इनकी नजरें हमसे नहीं हटेगी, पूरी तरीके से हमको निगरानी रख रहे हैं हम पे ये। खैर हमें तो चलना है सीधा कैथरीन ब्रेडफेल से बात करनी है और उसके माल उसी को ही बेचना है। काफ़ी बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन उनको पता चल गया तो यहीं फायरिंग चालू। What you want? Found something. Out in the hills. Thought maybe you was in the market for it. For what? Some liquor. I ain't in the market for what's already mine. ओहो, तो इसको पता है। Well, with us possessing it, and I checked all over. For the life of me, I couldn't see your name on it. भाई हो गई गड़बड़। इसे पता चल गया कि ये तो इसी का माल है। Why not do a deal? What do you sell that stuff for? Dollar a bottle. Give us 50 cents. It's already ours. Well, look on it as a reward for finding the property. Alternative is we go sell it someplace else. The alternative is you get shot. Aram se. Get shot over a bottle or two of liquor. Pay the man. अरे भाई ये बेचने को तैयार हो गई। होजे ने यहाँ ये बात पलट दी कि हमने ये माल ढूंढा है और वापस लौटा रहे हैं, इसलिए चलो ठीक है, ये भी बढ़िया है। Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it. In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra 10 bucks if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe
Maybe we'll play भाई इन दोनों फैमिली के बीच में नफरत देखो नेक्स्ट स्टॉप ये कह रही है जाओ वापस रोड्स में हो बेच दे इसको फोकट में भाई रोड के सैलून जा रहे हैं अब हम मूनशाइन को बेचने वो भी फ्री में बेचने क्या इसे बांटने ये अपना प्रमोशन रहेगा तो थोड़ा हमें अपनी आइडेंटिटी यहाँ छुपानी पड़ेगी चलो तो हमको चुप रहना है सारी बातें होजे करेगा Smoke this pipe. Bring your lip forward just a bit. तो यहाँ थोड़ा रोल प्ले करेंगे अपन अरे 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 आराम से आराम से. Hey, how about you? You can't speak. You're turned idiot. तो हम गूंगे हैं. Right. और थोड़े बेवकूफ. सारी बातें होजे करेगा यहाँ पे. There, there. Don't get mad now. नाम भी बदल लिए गए हैं. लो भाई पहुंच गया अपन उस शहर रोड्स और यहाँ के सैलून यहीं हमें शराब खपानी है रोक दे यहीं पे चल ओके फेंटन स्टे काम नाउ फॉर मामा शी लव्ड यू सो जस्ट अ शेम यू हैड स्ट्रैंगल हर इन अ रेज राइट ग्रैब टू केसेस कलेक्ट द मूनशाइन चलो एक बोतल उठा लेते हैं यहाँ से पिकअप निकाल ले एक बॉटल Gentlemen, gentlemen, quite the town you have here. We just rode in from up north. Hey. Hello. Hello, I'm Melvin. This is my brother Fenton. Melton of Fenton. नाम भी बदल लिया इसने. Killed our mother, but it weren't his fault. How'd you boys? भाई क्या-क्या बोले जा रहे हैं? Like a couple of bucks. I bet you would. One for each of you. We're in the new trade of advertising, which is an American art form about ensuring people buy the correct advertising things. कर रहे हैं फोकट में पहले बांटो अब बाद में फिर इसके पैसे लेंगे खरीदने के समय Go along now. Enjoy the money. जाओ चलो कॉफी खा लेना Just hand out the liquor. तो अपन आ गए सैलून के बार में और यहाँ हम इसे एडवर्टाइज करेंगे Gentlemen, my name is Melvin. That's my brother Fenton. He's a bit funny, but boy, can he pour drinks fast. For the next 30 minutes, the drinks in this here bar, in this here town, are entirely free. अरे भाई, अगले 30 मिनट के लिए पूरी ड्रिंक फ्री है जितना पीना पियो अगले 30 मिनट में किसी को पैसे नहीं देने ये हो रहा एडवर्टाइजमेंट चलो आ जाओ आर्थर तैयार है रेज द ग्लास आर से रेज द बॉटल और बॉटल बनाते जाओ भाई Just keep them coming. भरते जाओ डाल 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 मिस्टर ग्रे विल बी हैप्पी अबाउट दिस लो भाई चालू हो गया भर डालते जाओ तो सुबह से रात हो गई बांटते बांटते लो पार्टी शुरू हो गई यहाँ पे फोकट की पी पी के देते जाओ यार ये आधा घंटा बोला था इसके पैसे कौन देगा आर्थर को कुछ नहीं बोलना है यहाँ पे गूंगा है वो लो
रंग में भंग पड़ गया पार्टी बन गुड इवनिंग जेंटलमैन क्वाइट लाइबेशन ओहो तो ये लेमन रेडर्स के लोग हैं और इनको पता है वी आर इन एडवर्टाइजिंग कम ऑन इन एंड हैव अ ड्रिंक दैट्स आवर गॉडडैम लिक एन ऑनेस्ट मिस्टर ना 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 लो भाई हो गए तैयार बूम बूम दो तो यहां गए और कहां हैं चला ओहो वो दिख भी नहीं रहा है इतना धुंध है यहाँ पे और कौन है लो और ले अबे चल 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 रुकना नहीं है रुकना नहीं है बूम मुंह पे पड़ी उसके अबे 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 ले होजे को मार रहा था वो और कौन चला रहा है कहां बूम बूम सामने से आ रहे हैं हो गया शायद यहां का वो चला रहे बूम निकलो यहां से कहां है ये ये रहा कूद यहां से कूदना पड़ेगा हमें सीधा वैगन पे भगा होजे ओहो निकाल जल्दी सबसे पहले ओके तो अपने पास बंदूक ही नहीं है ये लगा ले और निकाल डबल अब इन लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे हमारा आने दो गिर गया ओके तो बॉटल फेंक रहे हैं हमारे ऊपर मोलोटोव कॉकटेल ले सर पे सीधा अब नहीं आएंगे इन लोग सामने से बूम भाई डायनामाइट लेके हम पे अटैक कर रहा था ये निकल निकल ट्रेन के आगे चलो बच अभी नहीं बचे ले चलो जाने दो उसको अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे ले डेड आई लेवल बढ़ गया थोड़ा सा चलो बच गए यहाँ अभी नहीं बचे हैं ले मुंह पे बूम सीधा मुंह पे अब तो बोल दो कि बच गए अब तो कोई नहीं दिख रहे चलो तो बच गए मुझे पता था ये होगा जिससे चुराए वो आखिरकार आई गए उन लोग चलो भाई किनारे ले लो थोड़ा रोड के You think that woman set us up? No, I don't think so. Maybe. This place is odd. Yeah, I keep seeing those fellas. Some local militia. Clearly not too happy to have some new competition. I'll go visit old Ma Braithwaite, see what's what. Why? We've been making money. The chest is filling up again, slowly but surely. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. So, for now, let me go give old Mrs. Braithwaite some of this moonshine as, well, let's call it a peace offering. Sure. That was fun, Fenton. We'll make an actor of you yet. I'll go speak to her. So, jaise taise bach ke nikal aaye apan. Aur hoze ja raha wapas Braithwaite se. मिलने उनको ऑफर करने बची कुछ मून साइन चलो जो भी था हो गया आखिरकार निपट गया मिशन
On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Rich as Croesus. And on the other, their mortal enemies, the Braithwaites. Moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe, in gold. And in the middle of it all, you got some inbred retelling of Romeo and Juliet. Exactly. So what you boys thinking? We try to rob them both. Yeah, Satir plan in logo ka. You sure? Kuch log Gray family se dosti bada rahe, kuch Braithwaite se. Aur dono milke dono matlab milke dono family ko lootne ki planning hai yahan pe. Opportunity here to put ourselves in the middle of something ain't nobody gonna know we was here. Bhai matlab dono families ke beech mein jo rivalry chal rahi hai uske pura fayda uthana chahta hai. Let's go back to see that Braithwaite woman. Good. Hosea should definitely take the lead on this. I sent Sean over to Braithwaite Manor too. Now you can meet up with them, or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaite's prize horses. Well, how the hell did we get an inn at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. We gotta convince each family that we're on their side, and then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Think of it as payback for my daddy. Payback? I ain't in the revenge business, Dutch. Least of all for something happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. Chalo, Dutch to phir letter likhne pe busy ho gaya. तो ये चल रहा है यहाँ पे, मतलब दोनों फैमिली को लूटने की पूरी प्लानिंग है डच की, जितना हो सके उतना लूटो, जितना पैसे बना सकते हो बनाओ। तो होजे और सॉन तो गए हैं ब्रेथवेट्स के यहाँ, और हम या तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ जाके, या तो फिर अपन जा सकते हैं जॉन और हैवियर के पास, कुछ हॉर्स वाला बिजनेस है। तो अपन चलते हैं जॉन के पास, जॉन और हैवियर के पास, देखते हैं उनके पास क्या काम आया है। तो चलते हैं आगे। ओके दोस्तों, तो अपन पहुंच गए कैलिगो हॉल। ये ग्रेस की प्रॉपर्टी है और यहाँ हमें मिलना है जॉन से। देखते हैं क्या प्लानिंग बना रहे हैं ब्रेथवेट्स के जो प्राइज हॉर्सेस हैं उनको लेकर। हो सकता है हॉर्सेस चुराने की बात हो यहाँ पे अपने लिए। हॉर्स फ्लैश फॉर डिनर। यप श्योर। Those supposed to be my business partners here. They arranged a meeting, I believe, about some horses. A fellow with a scar and a Mexican. Ah, yes, sir. Whoa, John. Out by the stables. Chalo. Okay, yahan hai. Chalo, to John se milne chalte hain apan. Bhai, kya solid planning ho rahi hai? Ek unko ek kuch group Gray family ko loot rahe hain. कुछ ग्रुप ब्रेथवेट्स को लूट रहे हैं। डच ने बढ़िया प्लानिंग बनाया है। तो लो पहुंच गया अपन स्टेबल। जॉन रहा ग्रे के साथ बात कर रहे हैं। ओके, तो ये शेरिफ का बाप है। मिस्टर ग्रे प्रॉब्लम्स विद अ फैमिली, अ फैमिली ऑफ डिजेनरेट्स। ओह वेल, नोबडी लाइक्स डिजेनरेट्स। हैग एंड हर इनब्रेड सन्स, दे रुइन दिस काउंटी, दे किल्ड माय अंकल, यू नो। दैट एंट राइट। प्रॉब्लम इज वी ओके, तो ब्रेथवेट्स ने इसके अंकल को मारा था, तब से और ज्यादा शायद दुश्मनी बढ़ गई है। वी हैव गॉट गोल्ड यांकी, वी हैव गॉट गोल्ड। आई नो यांकी फ्रेंड, I ain't nothing. My daddy came over on the boat from Scotland. I'm Scottish. And the Braithwaites? Goddamn peasants. I don't know. Mongrels. Slave fuckers. All you gotta do is look at them. How much gold? Enough. These are prized horses I'm talking about. Them, they'll get you $5,000. Oh ho, $5,000 for horses. घोड़ों के लिए। Where do we sell them, these $5,000 horses? Over in Clemens Cove,
fellow over there will run them out of state and give you 50 cents on the dollar. Mister, you got yourself a deal. Chalo, to deal ho gayi. Just keep us away from this. Publicly, I mean. My sense is we keep all horse wrestling away from the public. Go to the stable. John ko follow karna hai hame. चलो ठीक है, तो ब्रेथवेट्स के जो हॉर्स हैं जो कि इनामी हैं उन्हें चुराना है और उन्हें क्लेमेंस को में कहीं बेच देंगे। और ये कह रहा कि $5,000 तक मिल सकते हैं हमें उसके, देखते हैं, काफ़ी बड़ी रकम होगी ये अगर मिल गई तो। वाकई में 5,000 का अगर एक तिहाई भी मिल जाता है वो भी बहुत है। There ain't no point in blasting in there. सबके पास हथियार होगा वहाँ पे, प्लस अपन यूज नहीं कर सकते अभी फिलहाल। There's a guard. I'll speak to him, okay? तो ये रहा। All right then. Can I help you, gentlemen? Yeah, we're here to see about some horses. Business. Horses? Yeah, we had an appointment with Mr. Braithwaite, I believe. Yeah, I never heard about any of this. Our partner wanted to make a significant investment in some stables down here. But perhaps we should look elsewhere. Well, I... Okay then, but... चलो ये तो मान गया। अच्छा फंसाया जॉन ने इसको अपनी बातों में। आराम से, आराम से। No need to rush. आराम से चलते हैं। कोई हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है यहाँ पे। किसी का टेंशन नहीं पाना है हमें। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है देख रहे हो, यहाँ से वहां जाने में टाइम लग रहा है इतना। चलो तो सीधा जाते हैं और घोड़े पहले यहाँ पे लगा देते अपने। तो ये अपन आ गए। चलो तो हम बात करते हैं उस स्टेबल हैंड से, देखते हैं मानता है कि नहीं। पहले तो नहीं मानेगा मुझे लग रहा है। हेलो बिजनेस। हेलो देयर, कैन आई हेल्प यू बॉयज? आई होप सो। हर्ड यू गॉट सम हॉर्सेस। वी ऑलवेज गॉट हॉर्सेस। फाइन हॉर्सेस आई मीन। आई डोंट गेट यू फ्रेंड। या यू डू, कम ऑन। लिसन, व्हाई डोंट यू गेट आउट ऑफ हियर? You Scarface and your greaser buddy. Oh, ऐसा नहीं मानेंगे ये. We ain't officials. We're connoisseurs looking to do some breedings. Come on now, partner. Okay, fine. चलो मान गया ये. घोड़े दिखाने को तैयार हो गया. अरे क्या कर रहे हो, हमको तो जाने दो आगे. What is your boys interested in? We represent a famous. है कौन कौन से घोड़े ये? Saratoga. Is that so? Unofficially. ओहो तो हमें इसे मारना है। मार। गला रेत दिया उसका। ग्रीसर, हाँ? ओके। निकालो। Don't need nobody recognizing us. बंदाना लगा लो पहले तो। I'll grab the white one in the middle. You get the other two. चलो तो सफेद वाला अपना है। आराम से, आराम से। रिलैक्स। Come on. Good boy. Whoa there. Easy boy. Easy. Okay. थोड़ा पैट कर लेते, शांत हो जाएगा। Tether him up to Javier's horse. Lead. Okay. Javier. आजा. Gonna lead the stallions. तो अभी जॉन को ही फॉलो करते हैं। तीनों अरेबिक घोड़े हैं, एक सफेद, एक काला और एक थोड़ा भूरा जैसा। Master, you ride point. I'll cover up the back. If there's any problems, regroup at Clemens Cove. Okay. चलो तो लो, पता चल गया इन लोगों को, हो गया पंगा। एक सेकंड, निकाल रिपीटर लैंकास्टर, निकलो यहाँ से। ओहो जॉन तीनों घोड़े ले गया। ओ रौन दिए भाई घोड़ों ने इन लोगों को। कौन चला रहे, कहाँ से दिख भी नहीं रहे, खेतों में गया। एक भी गया, दो को पड़ी मुंह पे। भगाते रहो, भगाते रहो। ओ वैगन सामने,
ले गया बूम। और भी है अभी बूम मुंह पे ये मुंह पे अबे जल्दी बोला मुंह पे कहाँ भागे इन लोग अबे कहाँ इधर है गलत जगह जा रहे गया गया चलो जल्दी जंगलों की तरफ भागो शायद उनसे पीछा छूट जाए यहाँ पे ये गया बूम सीधा मुंह पे डाटा ही खत्म हो गई चलो अच्छा है अब लेकर चलते हैं इसे बेचने वाली जगह पर अबे क्या हो रहा है इसको भाग रहे बिदक गया ये पकड़ना पड़ेगा आजा 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 चल 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 मीट द गैंग कहाँ है गैंग ओके ओके यहाँ 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 चल 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 मैं घूम गया था यहाँ पे Yep. Well done. Clemens Cove's just over there. Come on. चलो. Let's get this over with. तो अपन उस जगह पे आ गए जहाँ अपन ये डील कर सकते हैं इन घोड़ों का. That could have gone smoother. That'll be on my gravestone. Come here. You think they look like घोड़ा भाई अभी भी जोर लगा रहे हैं. I guess we'll see. Okay, तो पहुंच गए अपन उस जगह पे. Approach the rustler. चलो चलते हैं इसके पास तो यहाँ ये दो लोग हैं शायद यही हैं डीलर चोरी के घोड़ों के What you boys want? पैसे heard you was heard you pay good prices for horses Oh we'll buy more or less anything Pop That's so Sure Pop I'm Clay Davies That's my brother Clive We're twins. अच्छा तो दोनों जुड़वा भाई हैं. John, Arthur, Javier. So what are you? Cuban? No, I don't like Cubans. That's so? Maybe. Why, what do you care? You ain't Cuban. Maybe I like Cubans. Ooh, you're funny. He's funny. Ain't he funny, Clive? Clive don't talk. We're twins, but I was born first. He came out all yellow and black, but he's okay. Sure. दोनों अजीब हैं. Yeah, I know these horses. खास कर ये. They ain't yours, but I like you, and I'll give you. तो ये पहचान गया घोड़ों को. I'll give you 654. लो भाई. 5,000 से 650 में आ गए. $1,000 for him. And I was told the moon was made of ladies' tears. Only it ain't true. Not one little bit. But. I like you boys. But I ain't got more than 700 on me. You want it, or you want to ride them fellers into town, and maybe someone there will hang you. Gonna need more than that. I ain't got no more money. ये अच्छा फंसे हैं अपन. Take it or leave it. रख लेनी तो ले जा कह रहे हैं भाई. कहाँ बेचेंगे आप इनको? बेवकूफ बन गया हमारा. $5,000 बोल के. Nice meeting you. जान जोखिम में पड़ गई थी अपनी यहाँ पे. Yeah. Close the gate, Clive. बहुत नाराज होगा आर्थर Believed a yarn spun us by one of that gray family and imagined we was gonna be wonderfully rich सारे सपने टूट गए felt like prize idiots ओके तो मिशन कंप्लीट हॉर्स फ्लैश फॉर डिनर यू कैन सेल अब अपन चोरी के घोड़े वहां बेच सकते हैं उन दोनों लड़कों के पास चलते हैं कहीं और शायद होजे के पास और मिशन आ रहा है अपने लिए चलते हैं उसके पास ओके दोस्तों तो अपन पहुंच गए वापस से ब्रेथवेट्स मैनर और हम मिलने जा रहे हैं होजे से जो कि हमें यहीं मिलेगा देखते हैं वो क्या प्लानिंग बना रहा है यहाँ पे हेलो
Hey, fellas. I have a meeting with Mrs. Braithwaite. My associates are already here. All right, that's enough. Chalo. Come along now. हर जगह गार्ड्स हैं इनके और भाई इन्हीं के अभी चोरी की है इनके घोड़े कुछ नहीं चलते हैं देखते हैं होजे क्या प्लानिंग कर रहे हैं अंदर ब्रेथवेट्स के साथ बैठकर हेलो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है इतना बड़ा मेंशन है प्लीज कम इन सर इज्जत आर्थर हक्का बक्का रह गया देख के सब A gentleman to see you, ma'am. So, your friend, the other liquor vendor. तो ये यहाँ बैठे हुए हैं चाय कॉफी हो रही है. Arthur, welcome. We're just playing cribbage. Arthur Morgan, Mrs. Catherine Braithwaite. Nice to see you again. Apparently. So this one, he is big and as dumb as he looks. Well, he's surely big, but his intelligence is a matter of some conjecture. Some say he is as dumb as he looks, but I think. Well, he's not quite that dumb. So these are the boys going to Callagher Hall? Yes, we could take care of that for you, but one hates to be coarse. There is the question of money. Oh, we've got money, Mr. Matthews. Paper, bonds, metal. She ain't gonna pay you with a certified check, you Yankee numbskull. Whoa. Ain't childbirth just the most beautiful miracle on earth? Seems a lady can birth monkeys, after all. हमारी बेइज्जती हो गई यहाँ पे. पर क्या कर सकते हैं कुछ नहीं Hop on. I'll fill you in on the way. No, I'm driving. Fine. चलो आ जा शॉन जल्दी कर All right, let's get this over with. तो अब हमें जाना है ग्रे मेंशन में मतलब कैलिगा हॉल Took everything I had. That son of a horse. I'll shove that silver spoon down his throat and pull it clean out of his arse. A smug fucker. Okay. So what's she got us doing at the Gray's place? She wants us to torture tobacco fields. Said they ain't had rain in weeks round here. What? Oh, boy, देख रहे हो? अब ये मिसेस ब्रेथवेट चाहती है कि हम जाएं ग्रे में और उसके जितने भी टोबैको फील्ड्स हैं सबको आग लगा देंगे भाई देख लो दोनों की नफरत एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग और अपन है कि दोनों का फायदा उठा रहे हैं ओके तो अपन डिलीवरी वाले बन के घुस जाएंगे उनके प्रॉपर्टी में अंदर और भाई फिर होगा आग का तांडव वहाँ पूरे खेत जलाने पड़ेंगे हमको उनके टूबाको को जितने भी है तब जाके उनको अच्छी खासी चोट पड़ेगी तो हमें छुपना पड़ेगा वैगन में और सोन संभालेगा उन लोगों को चलो तो अपन अंदर छुप कर बैठे रहेंगे और सोन संभालेगा उन लोगों को तो ये देख लो भाई ये सब है इनकी टोबैको फील्ड्स इन्हीं को जला के खाक करना है तो ये रहा गार्ड What do you want, boy? There was a thing, a thing. Yeah, fumble कर रहा है. What you talking about? Well, I'm delivering the supplies. You're not the usual driver. You want a bottle, friend? Here. Yeah, buddy. Have a wee drop. I'm new. एक बोतल में उतार लिया उसको. I've come from Donegal, in Ireland. You don't say. Yeah. They said you'd understand some kind of incident at the saloon in town. I was told to bring this up here. Ask no questions. Oh, कहाँ रहे? No lies, sort of business. अच्छा ये अपने साथ चले गए. Before the officials got there. चलो तब तक हमको नहीं ढूंढ पाएगा तब तक सब ठीक है. Oh, thank you, friend. Have a drink, Sean. चलो. Just over here. Yeah, straight down the path here. चलो तो हमें सीधा जाना है. Barely keep track of all these deliveries coming in. Yeah, oh, they said they was looking for more drivers in town.
I jumped at the chance. Oh dear, I'm sorry to hear that, Hamish. तो ग्रे फैमिली के पीछे काफी लोग पड़े हुए हैं उनके राइवल्स कुछ ना कुछ दिक्कत देते ही रहते हैं तो पहुंच गए अपन अब you can unload it here. In here? चलो तो यहाँ अपन माल खाली कर सकते हैं Swift one. Dude. Excuse me? Nothing. It's grand. ओ कहीं देख ना ले हमें वैसे इतना तो पी रहा है रास्ते भर से एग्जिट आराम से पता ना चले से बिग हाउसेस आउट इन डोनेगल रियल फैंसी प्लेसेस दे वाज हैमिश रियल फैंसी तो हमें गार्ड को मारना पड़ेगा साइलेंटली गॉट ऑल द मनी दे कैन बिल्ड क्वाइट द फैंसीएस्ट रियली ठीक आने लगा उसकी लाश को बंद कर दे बांध को यहाँ रात हो गई How you getting on? Good. जलाएंगे कैसे पर इस फील्ड को You got these things ready. Okay, तो ये okay. मोलोटोव कॉकटेल बना रहे थे There's plenty of guards out there. Here's काफी सारे गार्ड्स है बाहर You head over to the dry barn. Sure. And you? I'm gonna deal with the fields themselves. Okay, तो हम लगाने वाले हैं आग. Put everything in moonshine, and then we light things up with these little fellas here. Thankfully, it ain't rained, and that old barn over there should go up like a torch. चलो तो अच्छा है बारिश नहीं हुई है. These boys are taking aid. और अपना प्लान है ये जो शराब है इसको पूरे फील्ड में फैला देंगे. और ये अल्कोहल तो होती ही है तो ये आग भड़काने का काम करेगी. चलते हैं फिर और क्या लेकिन बहुत छू छू पा के करना पड़ेगा क्योंकि काफी सारे गार्ड्स आ गए यहाँ पे आराम से फायर बोट फॉलो शॉन शॉन को बस फॉलो करते रहो ओ सामने से वो आ रहे जल्दी Oh, hey. Well, I thought the wagon already arrived. This one didn't. Strange. Arre bhai. What you got there? Tools, payroll. Okay. Drop it by the supply shed at the back of the fields. Sure. See you later. You hear that? Payroll. Payroll. Yeah. Let's get this job done first, okay? Chalo. To karte hain apna kaam. Take care of this fella. ये जाके उसे निपटाएगा और फिर चलते हैं अपन पूरी फील्ड पे शराब डाल देंगे उसके बाद फिर होगा आग का तमाशा चलो तो यहाँ गार्ड्स भी हैं वैसे देखना पड़ेगा चलो 96% हुआ है अभी ये हो गया नेक्स्ट दैट्स गुड ओके तो हमें सामने जाना पड़ेगा देख ना ले बस गार्ड निकल जल्दी चलो That's good for here. चलो यहाँ का तो हो गया अब आगे एक गार्ड है यहाँ पे जल्दी बहुत बढ़िया भाई क्या बचे इससे अब भी मुड़ा ये Should be enough for here. चलो यहाँ के लिए तो हो गया अब सिर्फ 40% ही बची है अपने पास सर आप That's
चलो यहाँ भी हो गया, दो जगह और बची है बस, वो गार्ड्स वहाँ पे हैं। जल्दी, बढ़िया, काफी बच बचा के करना है ये। चलो तो हो गया, अब हमें सॉन से मिलना है वापस बांध में, और सामने तो एक वो खड़ा हुआ है, इससे कैसे निपटेंगे। अच्छा वो रहा सॉन, वो उसे निपटाएगा, ये मारा। चलो तो डाउसिंग तो हो गई पूरी, यहाँ भी डाउसिंग कर देते हैं और लूट लेते हैं इसे कुछ मिल रहा है तो। ओ मेरा हैट, मेरा हैट, अबे इसको नहीं करना है पागल, छोड़ इसको, अबे छोड़ इसको, अरे यार लाइक वन अटेम्प आल जगह एक्विप फायर बॉटल, आ जा लगी आग। व्हाट यू लुक एट दैट, हे लेट्स गो लाइट योरसेल्व्स अ फैट सिगार, यू आर लीविंग हियर, जलाओ। ओ गई, लग गई आग भाई, तमाशा हो गया यहाँ पे। चलो अब गार्ड को निपटाना है, ले आओ भाई अपना लैंकेस्टर। छुप जा, ये गया भाई मुंह शॉट, सीधा मुंह खोल दिया उसके, वो आ रहे वहां से। ले ले ले, पीछे से आ रहे हैं, कहा है ले। एक तो इतनी दूर से चला रहे, मुंह पे शॉट लगना मुश्किल है यहाँ पे। चलो चलो चलो, वो सामने से और आ रहे हैं, ले अबे छोड़, चल चल चल, कहाँ से आ रहे हैं और ले। पे सीधा हो गया, this is a goddamn mess, down this way, ले कहाँ है, अच्छा ये भाग रहे। लो भाई देख लो, एक तो दिख नहीं रहा कौन कहाँ पे है। ले चलो 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 चलो, रुको बस मत यहाँ पे, भागते रहो। Oh, say you better get us paid real well for this. Bloody right. Free the horses. Right, come on, we'll take those horses. Okay, okay. घोड़े खुलने हैं। अबे। Why to cut the horse? Why क्यों नहीं आ रहे? Use why mount the horse. We did good, Morgan. We did good. Great, but let's go. चलो, घोड़े खुलने हैं। इन्हीं पे बैठ के भागेंगे अपन। काम कर काम कर काम कर, अबे उतर, वेट फॉर शॉन। चलो निकलो यहां से, ओह अभी भी है यहाँ पे, निकाल लैंकेस्टर, निकाल लैंकेस्टर, ले मुंह पे, छोड़ 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 उसको, चलो सीधा सामने के गेट से भागेंगे।
हो गया भाई, आप बर्बाद हो गए। ग्रे Jesus, that turned into a right party. You call that a party? That Braithwaite had got a money's worth, Arlie. Let's just get out of here first. I think we lost him. That we Shallow. Did. Quite a night. Sure. Interesting little fight Dutch has put us into the middle of here. I hope him and Jose are अच्छा खासा मार लगी होगी ग्रे फैमिली को। Head on back to camp. You coming? जाए कि नहीं जाए? ना अपन यही रहते हैं, कुछ और करते हैं, देखते हैं। Job, well done, चलो 881 का टोटल शेयर मिला अपने को, मिशन कंप्लीट। yep. और एक नया घोड़ा भी। ओके दोस्तों, तो अपन आ चुके हैं आखिरकार अपने कैंप में वापस। तो भाई बढ़िया रहा जो भी हुआ, पूरी फील्ड आग लगा दी उन लोगों की। अब तो अच्छे खासे भड़क गए होंगे उन लोग। अपन जैसे तैसे जान बचा के आए यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। और ये क्या है, प्ले फाइव फिंगर फिले मिका। ये यही करते रहते क्या? चल आ जा, खेल लेते हैं आज। Sit down, my dearest friend. चलो हो जाए। Show me just what you got. Come on. Now forgive me if I उंगलियां कटवानी है तेरी। You in the face. No, I think the last time I played this was with skinny boys and strawberry. Okay, you little shit, do it. चल। ओ भाई एक्से एक्से एक्से। टेबल पे देख रहे हो खून के धब्बे हैं। ओके कट गई लगते है। चलो तो इसने तो सेट कर दिया है, अब अपने को इसे बीट करना है। तो ए से एक्स ए एक्स ए एक्स ए एक्स ए एक्स ए लो अपन ही जीतेंगे। ओ भाई साहब, चल 8-4। They're just fingers, right? आर्थर ने पहला राउंड जीत लिया। क्या वाई ये चल रहा है अब। बहुत स्लो है यार ये मीका, अपन काफी फास्ट है इससे। तो तब तक करते रहना है जब तक आपके उंगली पे लगे ना। ये लग गई 4 में। चलो तो अब ये दूसरा राउंड हो रहा है। क्या लिखा, ए वाई ए वाई ए वाई ए। चलो एंटन 20 सेंट तो मिल गया अपने को। द बाई इन इज 20। प्रेस ए टू एक्सेप्ट द बैट। अरे हो गया काफी, बहुत खेल लिए। ओके चलो, किस दोनों की उंगली सलामत है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, फिर बढ़ाते कहानी को आगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।